पासपोर्ट की तरह अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना भी आसान होने जा रहा है। अब आपको इसे बनवाने के लिए ज़्यादा औपचारिकता और फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को आसान करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव करने जा रही है। नया कानून लर्निंग डीएल, नया डीएल, डीएल नवीनीकरण आदि से लोगों को अलग अलग फॉर्म भरने के झंझट से मुक्ति दिलाएगा। वहीं आवेदनकर्ता को डीएल बनवाने के लिए आधार कार्ड देना होगा। इससे देश भर में फर्जी डीएल बनाने के सिलसिले पर लगाम लगेगी। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की माने तो मौजूदा समय में राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में लर्निंग डीएल बनाया जाता है। एक निश्चित अवधि के बाद स्थायी डीएल बनाने के लिए आवेदनकर्ता को नया फॉर्म भरना पड़ता है। इसी प्रकार डीएल के नवीनीकरण, मोटरसाइकिल स्कूटर से कार का लाइसेंस बनाना, पता बदलने, डीएल में नाम बदलने, डुप्लीकेट डीएल बनाने के लिए हर बार फॉर्म भरना पड़ता है। उन्होंने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1989 में बदलाव किया जा रहा है। नए कानून में अधिनियम के रूल 10, 14, 17 और 18 को खत्म कर दिया जाएगा। इसकी जगह पर फॉर्म 2 लागू होगा। उपरोक्त तमाम कार्यों के लिए आवेदनकर्ता को सिर्फ उक्त फॉर्म 2 भरना होगा। इस नए फॉर्म में नए कॉलम हैं। इसमें आवेदनकर्ता को अपना आधार कार्ड नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर लिखना होगा। पहली बार डीएल बनवाने वाले व्यक्ति के लिए सड़क हादसे में मृत्यु होने पर अंग दान करने की घोषणा करने का विकल्प होगा। इस कॉलम में हाँ अथवा नहीं का विकल्प होगा। वर्तमान में यह व्यवस्था नहीं है। मंत्रालय ने संबंधित पक्षों से सुझाव, शिकायतों के लिए मसौदा संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद ही नया कानून लागू कर दिया जाएगा। वाकई सरकार की ये पहल बहुत अच्छी है। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। आधार कार्ड को जोड़ने से व्यावसायिक वाहनों का डीएल बनवाने में आसानी होगी। फर्जी डीएल बनाने का धंधा करने वाले दलालों पर नकेल कसी जा सकेगी। वहीं सड़क हादसों में हिट एंड रन केस करने वालों को आसानी से पकड़ा जा सकेगा। देखते रहिए डीबी लाइव।